हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने वाला हूँ रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ऊपर, कि कौन कैंडिडेट खुद को क्वालिफाई माने और जिसका स्कोर कार्ड में मार्क्स कम है वे क्या करें। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ कैंडिडेट के स्कोर कार्ड के ऊपर। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट का जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है। और इनका मार्क्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो इन्होंने किया था 60 किया था, और इनका जो क्वेश्चंस करेक्ट हुआ था वो 14 हुआ था, वही इनका इनकरेक्टली जो है 44 हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड, इनका जो मार्क्स जो था वो माइनस में चला गया था और इनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया गया, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मार्क्स दिया गया, जो कि ये CCA कैंडिडेट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे रेलवे के द्वारा इन्हें इतना मार्क्स दिया गया, ठीक है, माइनस मार्क्स होने के बाद भी इन्हें मार्क्स दिया गया ताकि यह कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाए। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्होंने क्वालिफाई मिनिमम क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ। एक कैंडिडेट ये है, ठीक है, ये तो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट नहीं है। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ये पटना के है, ठीक है, जो कि ECR का है, और एक कैंडिडेट है जो कि 71 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और इनका मात्र 14 ही क्वेश्चंस सही हुआ है। और इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट हुआ है वह 55 हुआ है, ठीक है। तो इनका मार्क्स जो चला गया फ्रेंड, यहाँ पे माइनस में चला गया है, माइनस में इनका भी मार्क्स चला गया है, देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर -4 गया है इनका मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इनका जो टोटल रॉन्ग जो था 55 था। जबकि फ्रेंड, यहाँ पे भी इनको भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 19 दिया गया है, ठीक है, ताकि यह बच्चा पास कर जाए, ठीक है। इन्हें 19 मार्क्स दिया गया, 25 मार्क्स दिया गया होगा फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 19 मार्क्स दिया गया है ताकि यह कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाए, मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर जाए। लेकिन ये भी कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया को नहीं पार किए हैं, ठीक है। वहीं चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। एक और है, ये भी देख सकते हैं, ये इनका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट जो था 60 था, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 60 था और ये 14 रॉन्ग किए हैं और वही 44 इनका इनकरेक्टली है, जो कि इनका भी आप देख सकते हैं -0, इनका भी मार्क्स जो है वो 0 में चला गया है, ठीक है। और इन्हें भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 25 दिया है, यानी कि फिर रेलवे के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसशिप वालों का मार्क्स दिया गया है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ताकि बच्चा मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर जाए। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया को नहीं पार कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ एक कैंडिडेट का, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इनका जो था नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट था जो 34 था, ठीक है, इन्होंने मात्र 34 क्वेश्चंस ही करके आया था, जिसमें से 18, ठीक है, 18 क्वेश्चंस इन्होंने सही कर दिया है, ठीक है। और वही इनका जो रॉन्ग क्वेश्चंस था वह 16 था, ठीक है। तो इनका 5 3 15, यानी कि 5 मार्क्स कट भी गया, 6 मार्क्स कट भी गया। तो फ्रेंड, इनका जो मार्क्स आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.66 आया है, ठीक है, और इन्हें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में 39 कर दिया गया है। तो मान लो फ्रेंड कि अगर ये कैंडिडेट अगर SC कैटेगरी से होंगे, ठीक है, अगर ये SC कैटेगरी से होंगे या OBC कैटेगरी से होंगे या ST कैटेगरी से होंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे इनका तो क्वालिफाई है, ठीक है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, यानी कि हो गया है इनका सिलेक्शन, क्योंकि इनका जो है मिनिमम क्राइटेरिया से अधिक मार्क्स हैं, ठीक है। और ये सब जो कैंडिडेट है फ्रेंड, जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर ये कोई कैंडिडेट होंगे जो कि मान लिया जाए कि अगर ये SC कैंडिडेट होंगे, ठीक है, अगर ये कैंडिडेट SC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते होंगे, अगर इनका मार्क्स CBT में, ठीक है, अगर इनका मार्क्स CBT में 6 मार्क्स भी अगर आ गया होता, ठीक है, अगर इनका मार्क्स CBT में 6 मार्क्स भी आ गया होता, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना था, ये 25 मार्क्स था, ठीक है। तो इनका मार्क्स क्या हो जाता, 31 हो जाता, ठीक है, 31 हो जाता। तो ये SC कैटेगरी से मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर रहे थे, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को पार कर रहे थे, तो ये इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया को अभी पार नहीं किया है, इसलिए ये क्वालिफाई अभी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और भी ये भी कैंडिडेट वही है, ठीक है, ये भी मिनिमम क्राइटेरिया को नहीं पार किए हैं, इनका भी मार्क्स जो है वह 25 दिया गया था। तो फ्रेंड, ये मिनिमम क्राइटेरिया को नहीं पार कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड,
यहाँ पे उन सभी भाइयों का कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका यहाँ जो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर गए हैं, ठीक है। और वैसे भाई जो कि मिनिमम क्राइटेरिया को पार नहीं किए हैं, मैं तो एक बार कहना चाहूँगा RRB से, ठीक है, कि जो भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उन्हें कम से कम मार्क्स पे ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 20,000 से भी ऊपर है, ठीक है, 20,000 से भी ऊपर सीट है। और ये 20,000 सीट से ही 20,000 सीट को केवल और केवल अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट से ही भरा जाए, ठीक है, और इसे जनरल कैंडिडेट में कंसिडर नहीं किया जाए। अगर जनरल कैंडिडेट में कंसिडर किया जाता है तो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए बहुत ही दुख की बात होगी, ठीक है, क्योंकि वे एक साल उन्होंने अपना टाइम रेलवे को दिया है, ठीक है, और रिजल्ट को फिर से रिवाइज करके दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस वालों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। अगर इससे भी नहीं होता है तो फ्रेंड पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उसमें उसमें हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहेगा कि जो भी अप्रेंटिसशिप का सीट बच जाता है, ठीक है, उसे न्यू वैकेंसी में जोड़ करके दिया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।